ये मायावी अस्त्र नहीं राक्षसी अस्त्र है। मुझे दुख है केसरी जी कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है और मैं विवशता से देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मरकट, अब तुम्हारा अंत निकट है। अंतिम बार अपने प्रजनों को देख लो। कुछ क्षण के पश्चात ही ये बाढ़ तुम्हारे वक्ष स्थल को भेद देगा। बचते हो तुम। कितना भी उछल लो मरकट, परंतु आज तुम बच नहीं सकोगे। बहुत प्रहार कर लिया आपने वाली भैया। वाली भैया, अब नष्ट होगा आपका ये मायावी अस्त्र। संभालो इसका वार।
महागाती आग्नेयास्त्र रूप प्रकट करो। शक्तियों के बिना असहाय हो गए हो तुम। अग्नि तुम्हें जला देगी, शूल तुम्हें भेद देंगे, कड़क तुम्हारी देह को विभक्त कर देगी। मायावी शक्ति, वरदानों के बिना मेरा हनुमान इन भीषण कपालों की अग्नि का सामना कैसे कर पाएगा? हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, उसे उसकी वरदानी शक्तियां दोबारा प्राप्त हो जाए। लंकेश, उस वानर बालक की वरदानी शक्तियों को संभालने के योग्य नहीं है किसी की देह। वानर बालक की शक्तियों का लाभ उठाने के लिए भेजा था मैंने इस ब्राह्मण को, किंतु ये कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, सहायता करो हमारी, कोई रक्षा करो, रक्षा करो। ये कैसी दुनिया है? कौन पुकार रहा है मुझे? कौन चिल्ला रहा है? मैं इसे सहन नहीं कर सकता, ये तीव्र ध्वनि मैं सहन नहीं कर सकता। देवेश्वर, हनुमान की शक्तियां पाकर विक्षिप्त से हो गए हैं ये विप्रवर। इन्होंने तो अपने कर्ण भी बंद कर लिए। देवेश्वरी, विशेष शक्तियां उन्हीं को दी जाती हैं जिन्हें विशेष दायित्व निभाने होते हैं। हनुमान के जीवन का मुख्य उद्देश्य संसार के प्राणियों को संकटों से मुक्त कराना है, इसलिए हनुमान को जो शक्तियां प्रदान की गई थी उनमें एक शक्ति ऐसी भी थी जिससे हनुमान संकटग्रस्त व्यक्ति की गुहार को कहीं से भी सुनकर उसे शीघ्र सहायता पहुंचा सके। हनुमान को ऐसी गुहार का बोध हो जाता था, किंतु अधर्मी रावण के सन्निध्य में आने के कारण इन दूषित मन वाले विप्र के लिए ये गुहार मात्र विचलित करने वाली ध्वनि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कौन चिल्ला रहा है? बंद करो ये चिल्लाना, मुझसे नहीं सही जाती है तीव्र ध्वनि, बंद करो चिल्लाना, बंद करो। के? ना जाने किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, मुझे तो कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। बस विप्रवर, बस संभालिए स्वयं को, और जो शक्तियां प्राप्त की है उन पर नियंत्रण करिए। बंद करो चिल्लाना। उस वानर बालक को युद्ध में उसी की शक्तियों से परास्त करना है तुम्हें। Ha ha ha!
महाबली हनुमान, देखो शक्तिहीन हो गया है ये। शीघ्र ही अग्नि इसे भस्म कर देगी। मुझे इस अग्नि के ताप को सहते हुए इन मायावी राक्षसों का नाश करना होगा, अन्यथा वाली भैया जीत गए तो सुग्रीव भैया के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ये मूर्ख मरकट स्वयं ही मृत्यु के मुख में जा रहा है। चला ले ये। भी बच गया मरकट। वरदानी शक्तियां तो दान कर दी हैं इसने, किंतु इसे जो जन्म से अपनी आंतरिक शक्तियां मिली हैं, उनकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। किंतु मैं ये कैसे भूल गया कि उन शक्तियों में से भी आधी शक्तियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। कैसे करता हूं तुम्हारा अंत। वाली भैया आप संभालिए मेरा प्रहार। शक्ति भले ही तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकी, परंतु देवराजेंद्र से प्राप्त यह शक्ति अवश्य ही तुम्हारा अंत कर देगी।
देव द्वारा दिए गए दिव्य कंठ हार की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं वायुदेव, यह हनुमान का युद्ध है, धर्म और अधर्म के मध्य संग्राम है, इसमें आपका हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। किंतु इस प्रकार तो हनुमान की पराजय भी हो सकती है, और वाली हनुमान की पराजय ही नहीं, उसके जीवन का भी अंत करना चाहता है। ये क्या, वाली भैया तो पुनः दिव्य कंठार का प्रयोग कर रहे हैं। देवराज द्वारा दिए गए इस कंठार का सम्मान करते हुए मुझे इसके प्रहार को सहना होगा। हनुमान पुत्र, हम देवताओं के प्रति तुम्हारा आदर प्रशंसनीय है, किंतु पुत्र ये महाघातक शक्ति है, दिव्य शक्तियों के बिना इसका सामना करना तुम्हारे लिए भी सहज नहीं होगा। अब कौन सा नवीन ढोंग कर रहे हो मरकट? इस दिव्य अमोघ शक्ति से भयभीत हो गए? वाली भैया, देवता द्वारा दी गई शक्ति का अनादर नहीं कर सकता मैं। अस्त्र देवताओं का दिव्य अस्त्र हो या राक्षसों का मायावी अस्त्र, इनका आदर इन पर प्रतिवार करके किया जाता है, और यदि तुम इसका वार सहना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा। क्या हुआ मरकट?
निकल गए प्राण। यदि अब भी प्राण शेष है तो उठो, जिससे मैं तुम पर अंतिम प्रहार कर सकूं। यदि मेरे हनुमान को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगी। न जाने अब क्या होने वाला है। तुम्हें अपने पिता के वचन को पूर्ण करना है तो उठो, वचन पूर्ण करो, अपने सुग्रीव भैया की रक्षा करो। उठो मरकट, उठो।